गुड मॉर्निंग। यस, सभी विद्यार्थियों का जेडी की डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जेडी स्कूल आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से घर बैठे पढ़ाई का अवसर प्रदान करती है। इस माध्यम का सभी विद्यार्थियों का पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। तो हम अब तक के वीडियो में नैरेशन में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, यानी नैरेशन को हम कह सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हम आपको बार बार बताते हैं, डायरेक्ट जिसमें आपके क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको इनडायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, हम चल रहे थे सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस में हमने टेंस चेंजेस के बारे में पढ़ा। टेंस चेंजेस अब देखिए, हमने आपको उधर विल वुड वगैरह बताया, अब हो जाता है कैन का वुड, यानी कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चेंजेस कब होंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी, यानी बाहर का हिस्सा सैड से, अगर सैड अगर लिखा है, सैड से उसकी वर्ब है, सैड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तभी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टेंस में बदलाव किया जाएगा। और वही बदलाव हम आपको बता रहे हैं, कैन बी हो जाएगा, कैन बी के साथ क्या आता है, वर्ब की यहाँ हो जाएगा कुड बी प्लस वर्ब। ठीक है, उसी तरह विल बी मॉडल होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यदि वुड आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये हो जाएगा वुड हैव। अब ध्यान रखना, उसी तरह विल भी आता है वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, तो ये हो जाएगा वुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। उसी तरह यदि वुड हैव आता है वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, नो चेंज। शुड आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो ये सेम रहेगा जनरल में, मगर शुड आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म कैजुअल यानी पर्सनल वे में, तो ये हो जाएगा शुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। और शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म नो चेंज। ठीक है, उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है?
रीना सैड को बोलो आई वुड ब्रिंग इट बैंगल फॉर यू। दूसरा मोनू सैड टू मीना यू विल नॉट अटेंड द पार्टी ऑफ मी। तीसरा आकाश सेड टू अंकिता आई सेड बाय ए न्यू कार फॉर माई पेरेंट्स। तीसरा मोहित मोनिका सेड टू मोहित यू शुड नॉट बाय ए न्यू पांचवा क्या है राधा सैड टू विनीत माय पेरेंट्स कैन कॉल यू एनी टाइम। ठीक है इनको आप बनाइए लिख लीजिए वीडियो पॉज करके ठीक है। देखिए आंसर रीना टोल्ड गोलू दैट आई किसके लिए रीना के लिए शी वुड हैव ब्रॉट अ बैंगल फॉर यू इसके लिए है। यहां पर आप सोचेंगे कि रीना कैसे गोलू के लिए बैंगल ला सकती है तो बैंगल हो सकता है कि गोलू अपनी मां को देना चाहता हो
मोनू गोल्ड, मीना है, यू किसके लिए मीना के लिए, सी वुड नो अटेंड द पार्टी ऑफ मी, इसके लिए है हर नहीं मोनू के लिए फर्स्ट पर्सन है। आकाश टोल्ड अंकिता दैट आई, इसके लिए है आकाश ही गुड, ध्यान रखना विल शैल का साधारण वाक्यों में गुड हो जाएगा। वन मस्ट होम बाय ए न्यू कार और माई किसके लिए है आकाश हिज पेरेंट्स। फादर आपने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पर्सन बार के सब्जेक्ट से और सेकेंड पर्सन बार के ऑब्जेक्ट से, तो लेकिन आप ये भी तो इसको साधारण तरीका क्या हो सकता है जो बस समझ नहीं पा रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन से चेंज हुआ, तो बार का फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट होता है, पर्सन का मतलब है व्यक्ति और यहाँ पर है उसका प्रोनाउन, तो पहला पहले से चेंज करो, दूसरा दूसरे से चेंज करो। ध्यान ये रखना है कि आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू जो है सेकंड पर्सन होता है, तो फर्स्ट फर्स्ट से चेंज होगा और यू यू से चेंज होगा। मोनिका टोल्ड मोनी दैट यू इसके लिए मोहित के लिए ही शुड, अब ये देखो पर्सनल टॉप है इसलिए इसमें एम लगेगा, शुड हैव पर्सनली बोल रही है ना, यू शुड हैव कोई इसमें जनरल नॉलेज या फिर जनरल एडवाइस है, एक पर्सनल व्यक्ति को दी जा रही है यू शुड हैव या यू शुड नॉट हैव। बॉट अ न्यू होम, राधा टोल्ड विनी दैट माई किसके लिए, राधा के लिए हर पेरेंट्स कुड और यू किसके लिए है विनी के लिए है। उतार लीजिए, मैच कर लो, जिसने वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश की है, सॉल्व करने की कोशिश की है वो मैच कर सकता है वीडियो पॉज करके। देखिए तो फर्स्ट क्या कह रहा है, रीना सेड टू गोलू, रीना सेड टू गोलू आई वुड ब्रिंग ए बैंगल फॉर यू, तो रीना सेड टू को क्या हो जाएगा टोल्ड गोलू, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट कंजंक्शन के तौर पर क्योंकि ये साधारण वाक्य है। शी आई के लिए आई किसके लिए फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा रीना से, तो रीना का जो प्रोनाउन है शी हर हर, आई यहां पर सब्जेक्ट है इसलिए रीना का जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो शी है। वुड ब्रिंग ए बैग, वुड का वुड है हो जाएगा, वुड के साथ करके
दोनों के लिए ही आना चाहिए, नहीं हिम आएगा, क्योंकि यहां पर यू ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, जो जिस फॉर्म में होता है उसी का प्रोनाउन का बेस आपको रखना है। आगे देखिए, मोनो सेड टू मीना, यू विल नॉट अटेंड द पार्टी ऑफ मी। ठीक है, तो मोनो कह रहा है मीना से कि तुम मेरी पार्टी अटेंड नहीं करोगी, पार्टी ऑफ मी यानी माई पार्टी या फिर मेरी ऑफ पार्टी ऑफ हिम या पार्टी ऑफ मी, मेरी पार्टी आप अटेंड नहीं करोगे। तो मोनो टोल्ड मीना डैट, यहां तक कोई दिक्कत है? यू किसके लिए आया है? सेकंड पर्सन मीना, मीना बाहर का ऑब्जेक्ट है मान ले, लेकिन अंदर का जो प्रोनाउन है यू वो बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यू अंदर सब्जेक्ट फॉर्म में है, अंदर जो यू है वो सब्जेक्ट है अंदर के वाक्य का, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बाहर के अकॉर्डिंग, उसको आप सब्जेक्ट ही रखोगे, बस उसको प्रोनाउन यूज करेंगे आप। मीना का प्रोनाउन क्या होगा? शी। मीना का सर्वनाम क्या होगा? सी। विल नॉट का वुड नॉट, और अटेंड ये वाली फर्स्ट फॉर्म आएगी पार्टी ऑफ हिम। मी किसके लिए आया है? मोनो के लिए, तो हिम यूज होगा। आकाश सेड टू अंकिता, आई शैल बाई ए न्यू कार फॉर माय पेरेंट्स। आकाश अंकिता को कहता है कि मैं एक नई कार खरीदूंगा मेरे माता पिता के लिए, मेरे माता पिता के लिए मैं एक नई कार खरीदूंगा। तो आकाश ने अंकिता को बताया कि वह एक नई कार खरीदेगा उसके माता पिता के लिए। आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? तो डैड के बाद समझो आई कौन है, आई कौन है आपके? मैं आकाश है ना, आई फर्स्ट फर्स्ट से चेंज होगा, सेकंड सेकंड से चेंज होगा, आई का हो जाएगा ही, शैल का वुड ही होगा, शैल विल का साधारण वाक्यों में वुड का ही प्रयोग करेंगे, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाई ए न्यू कार फॉर माय कौन है? आकाश है, हिज पेरेंट्स। मोनिका सेड टू मोहित, मोनिका सेड टू मोहित, यू शुड नॉट बाई ए न्यू फोन, कि आपको एक नया फोन नहीं खरीदना चाहिए। तो मोनिका ने मोहित को बताया कि नहीं खरीदना चाहिए था, तो ही शुड नॉट हैव बॉट ए न्यू फोन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म आई की है के साथ, और शुड का शुड रहेगा और उसके साथ नॉट फिर हैव और फिर गॉट है ए न्यू फोन। राधा सेड टू मिनी, माय पेरेंट्स कैन कॉल यू एनी टाइम। ठीक है, एनी टाइम लिख लेना। राधा कॉल्ड मिनी, तब कोई दिक्कत है? फिर डैड माय किसके लिए है? राधा के लिए, यानी मेरे माता पिता, राधा कह दिए ना मेरे माता पिता, तो उसके माता पिता यानी राधा के लिए। तो हर पेरेंट्स कैन का कुड कॉल यू किसके लिए है? विनीत, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो विनीत का प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम, एनी टाइम। ठीक है, फिर देखिए इसमें और भी चेंजेस बताए गए हैं। जैसे मे का क्या हो जाएगा?
मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो क्या होगा, माइंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो माइट बी वर्ब की, माइट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ठीक है। और यदि माइंड आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो यहां पर माइंड है प्लस वर्ब, ठीक है। अब माइंड भी आ जाता है तो यहां पर माइंड है भी प्लस वर्ब। उसी तरह कुड़ भी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आता है तो कुड़ है अभी वर्ब प्लस थर्ड, वुड भी आ जाता है तो हो जाएगा कुड़ है अभी ये चीज आपको ध्यान रखना। फिर देखो मस्ट, मस्ट का मस्ट है, यदि ये जनरल जनरल वे में ठीक है वो मॉडल समझने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि जो चीज 100% जरूरी है उसके लिए आप मस्ट का प्रयोग करें, यानी फुली कंपल्सरी, कंप्लीट कंपल्सरी जो है उसके लिए मस्ट का प्रयोग करें कंपल्सरी के लिए। और यदि मस्ट का मस्ट है हो सकता है, यदि ये प्रश्नल में है बोला लेकिन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है मस्ट के साथ और मस्ट के साथ और फर्स्ट फॉर्म, और यदि ये पर्सनल वे में है व्यक्तिगत तौर पर बोला जा रहा है किसी से, यदि कोई व्यक्तिगत बात बोली जा रही है तो मस्ट है और प्लस वर्ब है। उसी तरह मस्ट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यदि आता है तो यहां पर मस्ट हैव बीन प्लस वर्ब, ठीक है। लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। उसी तरह दूसरे हैं वो दूसरे मॉडल की मॉडल वर्ब भी होती है ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे हैव टू बी ठीक है। यह
पर हैव टू बी आता है, वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ, तो यहां पर हैव टू बी आता है। लेकिन जो हैड टू होता है ना, हैड टू जो वर्ब थर्ड फॉर्म, ये नो चेंज है। उसी तरह हैड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म है तो बी ए नो चेंज है। ठीक है, फिर देखो आउट, आउट टू प्लस वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में तो ये भी नो चेंज है। वैसे आउट टू हैव लिख सकते हो, ये पर्सनल लेकर चल रहा है इसमें। पर्सनल और जनरल दोनों में क्या कॉमन और कैजुअल है। ये चीजें हैं, आप इनका ध्यान रखें। ठीक है, अब वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडवर्ब रिलेटेड चेंज। यानी एडवर्ब रिलेटेड चेंजेस भी किए जाते हैं, जैसे डायरेक्ट में आपके क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको इनडायरेक्ट में देना है, कैसे लिखेंगे? दिस का हो जाएगा डैड, जिसका क्या होगा डैड, और यदि डैड है तो नो चेंज, यदि पहले से ही डैड है तो नो चेंज। दिस का दोज और दोज नो चेंज, एन सी लिख रहा हूँ मैं, एन सी मतलब नो चेंज। हियर का देयर, और देयर आगे नो चेंज, ठीक है, हियर का देयर, टुडे का डेट डे, आगे अगर आता है नो चेंज, टुनाइट दैट नाइट, आगे नो चेंज, फलन से आगे कुछ नहीं बनता। ठीक है, नाउ एगो दोनों का सेम बनेगा, देन देन आता है तो नो चेंज, फिर आता है आपके टुमोरो, टुमोरो को हो जाएगा द नेक्स्ट डे, और यदि द नेक्स्ट डे आता है तो ये हो जाएगा द फॉलोइंग डे। और फॉलोइंग डे आगे नो चेंज
ठीक है, उतार लो इसको पूरी पोज करके। फिर आगे देखो, यस्टरडे का यदि आता है तो द यस्टरडे का क्या हुआ, द प्रीवियस डे। ठीक है, द प्रीवियस डे आता है ठीक है। उसके बाद है दस, इस प्रकार ये हो जाएगा सौ में, हैंस का डेंस में, यहां पर एनस ही आगे इसका रहेगा, इसके आगे नहीं लगा क्योंकि सब चेंज हो रहा है ना। हाइड यहां पर आपको एक लास्ट में गड़बड़ हुआ था, एको को हम दोबारा लिखवा रहे हैं, एको का बिफोर होता है, बिफोर आगे टेंस रहेगा, उसमें जस्ट आएगा, जस्ट का देन रहेगा, देन आगे। ओके बेटा, गलती पाया था आपको, एगो का क्या होगा बिफोर। ठीक है, ये आप लिख लेना।